एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो जातक और जातिका यह जानना चाहते हैं कि राहु केतु का जो भावों के ऊपर जो प्रभाव होता है वो किस तरह से हो सकता है, तो उसको कुंडली में आप कैसा देख सकते हैं, इसकी जानकारी हम संक्षिप्त रूप में करेंगे आज। तो जो भी जातक और जातिका है वो अपनी कुंडली में देखें कि किस तरह से राहु केतु की स्थिति आपकी कुंडली में है। अगर राहु केतु आपकी कुंडली में शत्रु राशि में है, पाप प्रभाव में है और वो अपना बुरा फल देंगे, इसलिए आप अपने कुंडली में देख सकते हैं कि राहु, जैसा कि आपको पता है कि ये सिर है तो गले से ऊपर का जो भाग है वो राहु के अंदर आता है और केतु जो है गले से नीचे जो है वो वाला भाग आता है। तो इस तरह से राहु केतु का फल भी उसी तरह से आप देख सकते हैं। तो राहु को जो भी प्रभाव देगा वो आपके सिर तो गले से सिर तक देगा और केतु का जो प्रभाव है वो धड़ का प्रभाव है, मतलब गले से नीचे के भाग जो भी है जिसमें आप पेट हो सकते हैं, फेफड़े वगैरह हो सकता है। और राहु के लिए आप जो है सिर जो है उसका देख सकते हैं। तो इस तरह से हम आप भाव के अनुसार देखेंगे कि अगर राहु और केतु आपकी कुंडली में, जैसा यहाँ देख सकते हो आप उदाहरण के लिए कि दूसरे भाव में राहु है वो शत्रु राशि में बैठा है, यहाँ केतु है वो भी शत्रु राशि में है, तो ये दूसरे भाव से संबंधित जो भी फल है उसमें कमी करेगा और उसमें आपको व्यवधान डालेगा। तो दूसरे भाव के अनुसार आप देख सकते हैं कि ये आपका धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो उससे रिलेटेड परेशानियां देगा। तो आप इसमें आप देख सकते हैं कि धन का जो या तो धन का यहाँ लॉस करवा देगा, चोरी करवा देगा, गमन करा देगा, मुकदमे में बाजी में धन जाएगा, धन का ये वो कराता रहेगा, इस तरह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप गले हैं, आँख है, नाक है, कान है आदि की बीमारियों का भी आपको भय बना रहेगा, क्योंकि राहु केतु का जो भी प्रभाव है वो अचानक होता है, एकदम से होता है। तो इस तरह से ये प्रभाव जब भी अगर दशा अंतरदशाएं चल रही होगी राहु की या गोचर में भी प्रभाव डाल रहा होगा तो इस तरह के फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह अगर ये आपकी कुंडली में राहु केतु लग्न में बैठे हैं, राहु लग्न में है और केतु अगर सप्तम भाव में है, तो ये जो प्रभाव है आपका लग्न आपका व्यक्तित्व है तो आपका शारीरिक जो कष्ट है वो यहाँ से मिलेगा आपको। और यहाँ सप्तम भाव आपकी पति या पत्नी का है तो उनके द्वारा आपको परेशानी हो सकती है, सिर में चोट लग सकती है, जो विषपान करते हैं विषपान भी हो सकता है आपका, और आपका झगड़ा वगैरह भी हो सकता है। इसलिए इस तरह से जब राहु केतु का प्रभाव लग्न में और सप्तम भाव होगा, दूसरे और अष्टम भाव का तो बता ही दिया, अभी हम बताएंगे अगर राहु अगर आपके थर्ड हाउस में है तो जो थर्ड भाव से पराक्रम में कमी लाएगा, और ये भाई बहन से रिलेटेड है तो भाई बहन से आपका झगड़ा कराएगा, पराक्रम में कमी कराएगा, आलस्य कराएगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। और जो कि ये यहाँ से हम हाथों को भी देखते हैं तो हाथों में भी कष्ट हो सकता है। और इसके बाद में हम चौथे भाव में अगर राहु और केतु आपका दशम भाव में है तो इस तरह से जो चौथा भाव हमारे सुख में कमी करेगा, माता को का भाव है तो माता को कष्ट देगा ये, और जमीन जायदाद से संबंध रखता है तो जमीन जायदाद वाहन से हमें परेशानियां हो सकती है, और यहाँ से केतु का जो है फेफड़ों के रोग है आदि की भी संभावना हो सकती है। इस प्रकार से अब ये राहु अगर आपका पंचम भाव में है और केतु आपका आ गया यहाँ पे ग्यारहवें भाव में, तो इस तरह की एक्सेस पे आने से अगर ये हम जो बता रहे हैं वो इस तरह के राहु अगर वहाँ पे आपकी नीच राशि में, राहु केतु नीच में हो और शत्रु राशि में हो तो ऐसे प्रभाव जो है वो ज्यादा रहेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर राहु यहाँ बैठा है आपका और केतु आपकी कुंडली में,
ग्यारहवें भाव में है, तो पंचम भाव से जो संबंध है, पंचम और इलेवंथ है उसके जो प्रभाव है उसमें कमी लाएगा। तो पंचम भाव से हम देखते हैं संतान का, तो संतान संबंधित परेशानियां उत्पन्न होगी, संतान से झगड़ा होगा, कष्ट होगा, परीक्षाएं दे यहाँ से ज्ञान देखते हैं तो परीक्षाओं में असफलता होगी, अचानक धन प्राप्ति जो सट्टेबाजी करते हैं उसमें भी हमको परेशानी आएगी, वो आमदनी में कमी करेगा, और जो उदर के रोग हैं उसका भय रहेगा। इस तरह से आप पंचम भाव में राहु केतु की स्थिति पे अपना ऐसा विचार कर सकते हैं। ये कभी भी हो सकता है, अचानक हो सकता है, दशा अंतर दशा में हो सकता है। अब हम छठे भाव में आ जाएंगे। अगर मान लो छठे भाव में अगर राहु है और आपकी कुंडली में 12वें भाव में केतु है, तो छठे और पाप मतलब वो अगर आपके शत्रु राशि में है, नीच के हैं, तो वो प्रभाव बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो है ये 12 नंबर की जो मीन राशि है वो उसकी शत्रु राशि कहलाती है, तो यहाँ पे उसका जो प्रभाव बढ़ जाएगा। तो राहु अगर यहाँ होगा तो ये हमारा रोग ऋण शत्रु है, तो उनसे परेशानी होगी, रोग होंगे तो लंबी बीमारी चलेगी, शत्रुओं से हमें परेशानी होगी, मुकदमा जो होते हैं वो हो सकते हैं यहाँ पे, और जो काम धंधा देखते हैं तो उसमें कमी आएगी, और विदेश गमन में जब जाते हैं तो उसमें कष्ट होगा, जेल यात्रा हो सकती है, गुर्दे हर्निया अपेंडिसाइटिस के रोग होने की संभावना ये बना देता है। इस तरह से राहु केतु का प्रभाव हमने छठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु का देखा है। इसी तरह से मान लो राहु आपका सप्तम भाव में है और केतु आपका लग्न में बैठेगा इस तरह से, तो सप्तम भाव से जो हम देखते हैं व्यापार देखते हैं, पति पत्नी का वैवाहिक जीवन देखते हैं, तो उसमें परेशानी आएगी आपको, और इससे झगड़े होंगे पति पत्नी के बीच में, तलाक की स्थिति बन सकती है, गर्भपात भी हो सकता है, पर स्त्री का भोग जो करते हैं वो पुरुष वो उसका और उसकी बदनामी हो सकती है उसके कारण, और योनि यहाँ से देखी जाती है तो जननेन्द्रिय योनि के जो रोग हैं वो यहाँ से होता है, व्यापार यहाँ से देखा जाता है, तो व्यापार संबंधी हमको तनाव रहेगा, भय रहेगा, और उसमें हमको हानि होने की भी संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर राहु आपका अष्टम भाव में आता है और केतु आपका आ जाएगा दूसरे भाव में, तो अष्टम भाव से जो भी रिलेटेड का क्षेत्र है उसमें हमें परेशानियां हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं, तो अचानक दुर्घटनाएं हो सकती है, जब विदेश जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ परेशानी हो सकती है, ये स्त्री के सुख का अभाव हो सकता है, धन हानि हो सकती है, और पेशाब आदि के रोग में प्रॉब्लम आ सकती है, रोग हो सकते हैं। तो इस तरह से अभी भाग्य भाव पे आएंगे, नवम भाव में अगर राहु है और केतु आपका अगर तीसरे भाव में है, तो राहु केतु की इस एक्सेस के कारण आपको ये पिता है तो पिता के कष्ट हो सकता है, पिता से आपकी अनबन हो सकती है, इस तरह से ये भाग्य है तो भाग्य में बाधा हो सकती है। इस तरह से आप देख सकते हैं आपका जो पद है उसमें गिरावट हो सकती है, समाज में आपका निंदा हो सकती है, और जो भी है जंघा घुटने और पैर के रोग होने की संभावनाएं हो सकती है। तो इस तरह से अब हम दशम भाव पे आएंगे, तो दशम भाव में अगर आपका राहु है दशम भाव में अगर राहु है और केतु आपके आ जाएगा चौथे भाव में, तो दशम भाव से रिलेटेड जो फल है उसमें हमको प्रॉब्लम आ सकती है, रुकावटें आ सकती है, क्योंकि दशम भाव हमारा जो है वो आप राजनीति को यहाँ से देखते हैं तो राजनीति में झगड़े हो सकते हैं, फिर आपका पिता से झगड़ा हो सकता है, जो कार्य है तो विदेश गए वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और जो भी हृदय है फेफड़े हैं इसके रोग हो सकते हैं, जो भी व्यवसाय और काम कर रहे हैं उसमें भी परेशानियाँ आ सकती हैं, और उसमें इस तरह के अब हम
आ जाएंगे 11वें भाव पे। यह हमारा लाभ का भाव है और यहाँ पे राहु है और पंचम भाव में केतु आ जाएगा। तो हमारे जो इच्छा पूर्तियों के भाव है, तो इच्छा जो है हमारी वो पूर्ति नहीं होगी। लाभ के जो सोर्स है उसमें कमी आएगी और इसके कारण जो भी बड़ा भाई से झगड़ा हो सकता है, नौकरी में परेशानी, आय में कमी और नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ा देती है। संतान का कष्ट बढ़ जाएगा और बहुभुजा कष्ट होगा, बदनामी होगा, इस तरह से भय हो सकता है आपको। अब हम आखिरी भाव 12वें भाव में राहु और केतु अगर 6ठे भाव में है, तो इस तरह से जो हमारे ये मुग्ध में अगर चल रहे हैं तो उसमें मुग्धबाजी होगी, जेल यात्रा हो सकती है आपको, विदेश गमन हो सकता है, विशेष खर्च हो सकता है, इसमें जो निर्धनता आ सकती है, आंखों के कष्ट हो सकते हैं, इनकी संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो इस तरह हमने देखा कि आपकी कुंडली में अगर राहु मिथुन कन्या वृषभ तुला राशि में है तो ये प्रभाव में कमी आएगी, पर वो शत्रु क्षेत्री होंगे, जैसे कर्क है, सिंह, मेष, वृश्चिक राशि में होगी तो इसमें वृद्धि आ जाएगी, क्योंकि इस तरह से आप अपना जो भी कुंडली है जातक और जाति का इस तरह से देख सकते हैं। अब इनके प्रभावों को कम करने के लिए आपको जो उपाय है वो आपको करना पड़ेंगे, वो करेंगे कि जैसे कि राहु के लिए आपको सरस्वती जी की आराधना करना चाहिए और केतु के लिए गणेश जी की आराधना करना चाहिए। इस तरह से उनके उनके जो भी हम इस तरह के उपाय करेंगे, गणेश जी की आराधना करने से और सरस्वती जी की आराधना करने से राहु केतु के जो प्रभाव है उसमें कमी आती है। और जो जो हमने बताया आपको कि किस तरह के जो भावों के प्रभाव है उसके कारण हमारे देही का और मानसिक कष्ट जो बनते हैं, पितृक संपत्ति का जो कष्ट है वो कम होगा, फिर भाइयों से जो हमें परेशानी हो रही है वो उसमें कमी आएगी, हमारे जीवन उपार्जन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें कमी आएगी, शिक्षा से प्रॉब्लम आ रही थी वो उसमें कमी आएगी, संतान से जो कष्ट है उसमें कमी आएगी, और शत्रु का विचार जो हम यहाँ से कर रहे थे, इस तरह जो गृहस्थ जीवन का यहाँ से कर रहे थे, भाग्य की जो कमी हो रही थी, तो कोर्ट कचहरियाँ हो रही थी, ये सब चीजों का जो प्रभाव है हमारा जो भाव से संबंधित जो भी प्रभाव है वो कम करने के लिए हमें ये जो ग्रहों की ओम राम राहु के मंत्रों के जाप 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए, ओम कम केतुवे नमः का पाठ का 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए, और उनसे संबंधित जो भी उपाय आपसे बन सके, आप किसी को धोखा नहीं देने का, किसी से बेईमानी नहीं करना, ये सब आपको नहीं करेंगे तो भी राहु केतु के प्रभाव में कमी आएगी, कि इसके कारण जो हमारे राहु के खराब होने से जो प्रभाव आ रहे हैं, केतु के प्रभाव आ रहे हैं, उनको कमी आ सकती है। तो आप जरूर इस तरह की अगर परेशानियां आ रही हैं तो आपको राहु केतु के उपाय करते रहना चाहिए, और जब भी अगर इनकी दशाएं अंतर दशाएं गोचर में खराब स्थिति बन रही हो तो आप पहले से जान के आपको मांस मदिरा आदि भी नहीं खाना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, ससुराल से भी अच्छे रिलेशन रखना चाहिए, एक इस तरह से आप इनके प्रभावों को कम कर सकते हैं। और तो आपने आज जाना कि किस तरह से राहु केतु के प्रभाव आपके भाव भावों के अनुसार हमने बताया, उस भावों के प्रभाव में कमी लाते हैं, तो उनको आप इस सरल तरीके से जो भी उपाय करके उनको कम कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल एस्ट्रो सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको टेलीफोन से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपने हमारा वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।